फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। भारत की सेना को इसी महीने नए लड़ाकू वर्दी मिलने जा रही है। इसमें डिजिटल बाघाकारी पैटर्न्स होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने सेना के साथ नजदीकी तालमेल से इसे तैयार किया है और इस वर्दी में सैनिकों को ज्यादा आरामदेह और उन्हें काम करने में आसानी होगी। इसको देखते हुए इस वर्दी को तैयार किया गया है। द प्रिंट की एक खबर के मुताबिक रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों ने बताया है कि एक ओपन टेंडर लाने की योजना है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों इकाइयों की भागीदारी से एक नए कैमोफ्लॉज और लड़ाई पोशाक वर्दी यानी कि BDU का निर्माण और सप्लाई होगा। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि इस वर्दी को पहले 15 जनवरी को सेना दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन इसे अधिकारियों और सैनिकों को अलग अलग खेप में दिया जाएगा। मौजूदा प्रथा के विपरीत, जिसमें सैनिक बाजार से कपड़ा खरीदकर अपनी वर्दी सिलवा सकता है, नए बाघाकारी पैटर्न्स वाला कपड़ा खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होगा। एक सूत्र ने ये बताया है कि योजना ये सुनिश्चित करने की है कि ये कपड़ा खुले बाजार में उपलब्ध न हो। एक टेंडर प्रक्रिया होगी और वर्दियां अलग अलग साइज में सी जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे रेडीमेड गारमेंट्स में होता है, जिन्हें फिर से अलग यूनिट्स और फॉर्मेशंस में सप्लाई कर दिया जाएगा। रक्षा सूत्र ने आगे बताया है कि तकरीबन 13 लाख की सेना के लिए वर्दियां बनाने का टेंडर प्रक्रिया निजी और सरकारी दोनों उपक्रमों के लिए खोल दी जाएगी। सेना ने पहले केंद्रीय रक्षा और गृह मंत्रालयों से अनुरोध किया था कि कानून और व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के दौरान या आतंकवाद से प्रभावित शहरों इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री बलों के लड़ाकू वर्दी पहनने के खिलाफ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं। आपको बता दें कि नई वर्दी में रंगों का प्रतिशत वही बना रहेगा जैसा कि मौजूदा वर्दी में है, जो ओलिव ग्रीन और मिट्टी जैसे रंगों और शेड्स का मिश्रण होता है। सैनिक की सुविधा के लिए पतलून में अतिरिक्त जेबें दी जाएंगी। कपड़े के लिए चुना गया मटेरियल हल्का लेकिन ज्यादा मजबूत होगा और गर्मी सर्दी दोनों के लिए ये बिल्कुल बेहतर होगा। ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या नई वर्दी में कंधे और कॉलर के टैग्स अभी की तरह होंगे या बेहतर ढंग से छिपाने के लिए इन्हें काला कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंधे की पट्टियों को, जिनसे रैंक का पता चलता है, सामने के बटन्स पर लगाया जा सकता है, जिस पैटर्न पर दूसरी बड़ी सेनाएं भी पालन करती हैं। आपको बता दें कि सेना के लिए नई वर्दी बहुत जल्द जो है वो तैयार होकर उन्हें मिल जाएगी और ये उनकी मौजूदा स्थितियों को देखते हुए, उनके काम की शैली को देखते हुए बनाया गया है, ताकि हर कंडीशन में ये वर्दी जो है सैनिकों को बेहतर फील कराए और उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।